नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स के बारे में हम लोग ने स्टार्ट किया था पढ़ना, और हम लोगों ने देखा था कि फाइबर बेसिकली क्या होती है, फाइबर को मिलाने से किस तरह फैब्रिक्स बनती है। आई सपोज वो सारे पार्ट को आप लोग पढ़ के आए हो, और आज मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ। दिस क्वेश्चन सीरीज इज नोन एज मिक्स्ड बैग क्वेश्चन। मिक्स्ड बैग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन सीरीज होगा जो मैं कभी कल क्लास में आपको करवाऊंगा। हेलो मंजीत सर। हाँ सर बोल रहे ना कि एक नई बच्ची आई है 8 में आज। ओके सर, श्रेया कुमारी, ठीक है। ओके ठीक। तो बेटा मिक्स्ड बैग क्वेश्चन का मतलब क्या होगा कि अभी तक हम लोग जो पढ़ाई किए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे ताकि हम पुराने चीजों को भूले भी नहीं। ओके तो चलो मिक्स्ड बैग क्वेश्चन। आपका ऑडियो सर आपका ऑडियो ऑफ हो गया। आपका ऑडियो ऑफ हो गया। पूरे सिलेबस को पढ़ा है वहां तक की चीजों को हम लोग फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस देखता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर डैश फाइबर्स, कोई मुझे बताएगा? सिंथेटिक फाइबर्स आर डैश फाइबर्स, कोई मुझे बता सकता है क्या? मैन मेड। यस, मैन मेड बोलो या आर्टिफिशियल बोलो। ओके, टेल्यूरियम इज अ, टेल्यूरियम क्या होती है? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। टेल्यूरियम इज अ मेटलॉइड। Fe इज डैश हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। Fe इज डैश हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज, कोई बता सकता है क्या? बेटा देखो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता हूं आप लोगों के लिए कि पीछे के चीज को आप पीछे ना छोड़ जाओ, समझे? चीजों को पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। तो ऐसा होता है कि आगे की चीज को पढ़ लिया और सारे पीछे की चीज को भूल गए। Fe इज डैश हाइड्रोजन स्मॉलर। अबाउट बिलो, अबाउट बिलो, यस सर। क्या होगा, अबाउट होगा कि बिलो होगा? बिलो, बिलो होगा। वेरी गुड। एक्टिविटी सीरीज याद नहीं आप लोग? पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, निकल, लेड, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर है कि नीचे है? ऊपर, ऊपर है। चैप्टर को मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया और आप लोग क्या कर रहे हो? स्मॉल यूनिट दैट मेक अप पॉलीमर, ये तो लास्ट क्लास में पढ़ाएंगे। स्मॉल यूनिट दैट मेक अप पॉलीमर, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीमर। जोर से बोलिए एनीबडी। पॉलीमर। मोनोमर बोलेंगे, मोनोमर, मोनोमर। पॉलीमर मोनोमर से मिलके बनता है, छोटे छोटे मोनोमर। स्मॉल यूनिट्स मोनोमर होते हैं जिसके मिलने से पॉलीमर बनता है, ठीक है? ये दिमाग में रखनी है। अब ये क्वेश्चन है कि Fe plus CuSO4 aqueous जो ब्लू कलर का होता है, तो रिएक्शन होने पर एक X बनती है और एक Y बनती है। आपको X और Y को पहचानना है, साथ में उसके कलर को भी बताना है। X क्या होगी, कोई बता सकता है क्या? आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट X होगी, आयरन सल्फेट। और Y क्या होगा? कॉपर, Cu। Cu, Cu होगा। FeSO4 का जो सॉल्यूशन होगा उसका क्या कलर होगा? ग्रीन, ग्रीन, लाइट ग्रीन बोलो, ज्यादा अच्छा होगा। ये लाइट ग्रीन होगी। और ये जो Y है कॉपर, रेडिश ब्राउन बोल सकते हो? ब्राउन, रेडिश ब्राउन बोलो या ब्राउन बोलो। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो हेमोग्लोबिन में क्या होता है? ब्लड में एक हेमोग्लोबिन होती है, क्या होता? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। यस, यू कैन सी।
नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, सिलिकन क्या बनाने के काम आता है, सिलिकन एक मेटलॉइड होती है, तो नाइट्रोजन यदि फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है तो सिलिकन क्या बनाने के लिए काम आता है, किसी को मालूम नहीं है क्या सिलिकन से क्या बनती है बेटा? सिलिकन से इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिलिकन से हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, ध्यान देना है सिलिकन से बनती है इलेक्ट्रिकल सर्किट। अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल फास्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होती है। ओके, द मोनोमर ऑफ कॉटन, कॉटन के मोनोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन जिस मोनोमर से बना हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आप लोग पढ़ नहीं रहे हो क्या? रुको तो मुझे नाम पूछने दो, थोड़ा बच्चा लगता है। सर एक बात बोलना चाहूंगा सर, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, हम बोलना चाहूंगा सर के बच्चों का ना पार्टिकुलर नाम लेके पूछिए ताकि पता चले कि हाँ वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। ऐसे होता क्या ना, एक बार आप पूछते हैं तो एक साथ सब जवाब देता है, ठीक है ना? तो कुछ लोगों का नाम के साथ पूछिए ताकि वो जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, इससे पता चलता है। वही मैं देख रहा हूँ सर कि कुछ बच्चे रेगुलरली जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा देखिए कि जब स्पीकर में आवाज उठता है ना तो कौन बच्चे जवाब दे रहे हैं उनको थोड़ा सा नाम से पूछिएगा ना सर, तो उससे हमें भी पता चलेगा। होता क्या है एक बच्चे जैसे जवाब दिए पीछे से सब बच्चे जवाब दे देते हैं। ओके ओके सर, ठीक है। चलिए तो बताओ तो आयुष कुमार वेब सेंटर से, आयुष कुमार फ्रॉम वेब सेंटर, इसका आंसर बताओ जल्दी से। आयुष कुमार फ्रॉम वेब सेंटर, शायद आपको इसकी आंसर मालूम होनी चाहिए। कशिश, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, वेरी गुड बेटा, सेल्यूलोज द मोनोमर ऑफ कॉटन जो है वो सेल्यूलोज। आर्यन आप मुझे बताओगे, नहीं द मोनोमर ऑफ कॉटन सेल्यूलोज नहीं होती है, गलत जवाब है। कॉटन की मोनोमर क्या होती है, एनीबडी एल्स? आर्यन बताओगे मुझे? बेटा आर्यन मुझे बताओ मोनोमर ऑफ कॉटन क्या होगा? सर नहीं पता। एनीबडी, कोई भी बच्चा बोल सकते हो आप, चलो जल्दी बोलो। ग्लूकोज, ग्लूकोज द मोनोमर ऑफ कॉटन इज ग्लूकोज एंड इट्स पॉलीमर इज देखो ध्यान से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ती है आपके सिलेबस में। कॉटन जो पॉलीमर से बना हुआ है, मैंने लास्ट क्लास में कितना बार रिपीट करके ये बोला था, कॉटन जिस पॉलीमर से बना हुआ है उसे हम बोलेंगे सेल्यूलोज, और वो पॉलीमर जो छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है दैट इज नोन एज ग्लूकोज। ओके गॉट इट। अब चलिए ये वाला अनस्क्रैम्बल, इसको अनस्क्रैम्बल करना है, मतलब ये कुछ वर्ड्स को मैंने आगे पीछे कर दिया और आपसे पूछा गया, एक हिंट भी दिया हुआ आपके सामने, व्हाट इज द नेचर ऑफ जर्मेनियम, जर्मेनियम का नेचर क्या हो सकता है? मेटलॉइड, ओके मेटलॉइड, वेरी गुड। यदि आप वर्ड्स को सजाओगे इन सारे वर्ड्स को तो आपको पता चलेगा कि मेटलॉइड बन रही है और जर्मेनियम एक मेटलॉइड होता है। सम वर्ड्स आर गिवन हियर, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का डायमंड, 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 अ सिंथेटिक फाइबर, रेयन, 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 small repeating units,
मोनोमर मोनोमर मैच द फॉलोइंग चलिए कुछ मैच द फॉलोइंग देखते हैं आयरन मेटल आयरन इज अ मेटल मोनोमर पॉलीमर पॉलीमर मोनोमर पॉलीमर कॉटन सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर एंड natural fiber और वहीं पे acrylic जो होगा acrylic is what it's a synthetic fiber synthetic fiber देखो बेटा मैं हर क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता हूँ तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी पढ़ाई गई है लास्ट क्लास में उसको पढ़ के आओ क्योंकि देखो एक दो बच्चे ही जवाब देंगे तो पॉसिबल नहीं होता है कि मतलब सारे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं क्या हो रहा है वो अच्छे से मुझे पता नहीं चल पाए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब पढ़ के आया करो ओके पढ़े चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं चलिए लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक फ्लो चार्ट को और उस फ्लो चार्ट में मैंने देखा था कि चार टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर में हम लोगों ने देखा था सिंथेटिक फाइबर जो होती है बेटा बेसिकली जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं वो चार टाइप के हैं तो आपसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव एग्जांपल ऑफ फोर सिंथेटिक फाइबर्स तो पहला जो हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है इट्स रेयन ओके रेयन एक सिंथेटिक फाइबर है सिंथेटिक बोले तो आर्टिफिशियल नेक्स्ट नाइलन नाइलन भी एक सिंथेटिक फाइबर होती है वन इज पॉलिएस्टर एंड थर्ड वन इज एक्रेलिक देखिए फोर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स रेयन नाइलन पॉलिएस्टर एक्रेलिक और पॉलिएस्टर हमें दो टाइप की पढ़नी वन इज टेरिलिन एंड अनदर इज पीईटी पेट पेट बॉटल्स जो ये बॉटल सब होते हैं ना ये वाला ये बॉटल्स सब जो होते हैं पेट बॉटल्स होते हैं ये भी एक टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर ही है ओके तो ये याद रखना है आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गिव टू टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर एग्जांपल में पूछा जा सकता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिएस्टर टेरिलिन और पीईटी दो टाइप ऑफ पॉलिएस्टर्स ओके ये फ्लो चार्ट को आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है चार सिंथेटिक फाइबर और पॉलिएस्टर दो टाइप के टेरिलिन और पीईटी ओके क्लियर रहेगी दिमाग में तो चलो अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे ले चलते हैं और सबसे पहले पढ़ेंगे रेयन के बारे ओके रेयन के सारे खासियत को हम लोग सबसे पहले देखेंगे देखो रेयन जो सिंथेटिक फाइबर है उसके बारे में जानने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझो कि इंसान ने रेयन फाइबर क्यों बनाया हुआ क्यों
कि सिल्क वाज डिस्कवर्ड इन चाइना. सिल्क आप सभी सिल्क जानते हो. सिल्क जितना जो खोज हुआ था या पता किया गया था वो सबसे पहली बार चाइना में बनाया गया सिल्क. ओके आपको मालूम है जो मलबरी प्लांट्स पे फीड करते हैं कोकोन उनसे हम लोग क्या निकालते हैं सिल्क निकालते हैं है ना. तो सिल्क जो है पहली बार चाइना में बनाया गया. और बनाया क्या गया ये तो एक नेचुरल चीज होती है आपको मालूम है दैट बटरफ्लाईज जो फीड करते हैं मलबरी लीव्स में उससे हम लोग सिल्क निकालते हैं उसमें मॉथ से. तो ये जो सिल्क था चाइना ने इसका खोज किया और चाइना इसे छिपा के रखा था कि दुनिया को पता नहीं चले. और सिल्क के कपड़े वो बनाते थे और दुनिया को बेचते थे और चाइना इसको सीक्रेट रखा था कि किसी को पता नहीं चले और लोग मतलब असमंजस में रहे कि ये चीज क्या है और ताकि उनका काफी कमाई हो. और सिल्क मालूम है आपको सिल्क के कपड़े काफी अच्छे होते हैं उसमें बहुत साइन होता है लस्ट्रस होती है और ड्यूरेबल भी अच्छी खासी. और वैसे भी चाइना क्या बनाता है नहीं बनाता वो तो दुनिया को जल्दी बताता है आपको सबको मालूम है कि ये बात. तो ये सिल्क जो बनाया था वो भी दुनिया को उसने नहीं बताया छिपा के. तो वर्ल्ड के दूसरे केमिस्ट और साइंटिस्ट सोचने लगे कि यदि सिल्क चाइना ने कुछ आर्टिफिशियली बनाया होगा. वैसे तो आर्टिफिशियली नहीं बनाया था कोई नेचुरल चीज से एक्सट्रैक्ट करके बनाया बट सिल्क जैसा ही कोई चीज दुनिया के अलग साइंटिस्ट केमिस्ट बनाना चाहते. ओके तो आया दुनिया There was made by chemically treating wood pulp. देखो wood pulp समझो क्या होता है. wood pulp मतलब लकड़ी जो होता है ना लकड़ी का छोटा 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 टुकड़ा करना. ओके एकदम महीन महीन टुकड़ा कर देना और फिर उसको केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है कुछ केमिकल से वुड पल्प को ट्रीट करते हैं. वुड पल्प को लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को केमिकल से ट्रीटमेंट करने के बाद हमें एक फाइबर मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं रेयन. ओके तो रेयन कैसे बना आपसे पूछा जा सकता है इस एग्जाम में. रेयन वॉज प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग वुड पल्प विथ केमिकल्स. ठीक है ना बाई ट्रीटिंग वुड पल्प with chemicals. ठीक है it has properties similar to silk and can be woven like silk. रेयन का जो गुण होता है टेक्सचर मतलब जो सिल्क सॉफ्ट होती है रेयन की वैसा ही सॉफ्ट होता है. तो जो रेयन के प्रॉपर्टीज होते हैं वो तो काफी मिलते जुलते होते हैं सिल्क से और सिल्क के जैसा ही उसका बिनाई किया जा सकता है. बीन के जैसे हम लोग सिल्क का कपड़ा बनाते हैं सिल्क का फाइबर लेंगे उसको आपस में बीनेंगे फिर सिल्क के कपड़े बनाते हैं वैसे ही रेयन जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है सिल्क से. रेयन की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है सिल्क से और रेयन को आप बीन सकते हो ठीक उसी तरह जिस तरह सिल्क को बीना जाता है. ओके तो चलो सिल्क से मिलता जुलता कोई चीज का तो खोज हो गया और दुनिया को एक नया आर्टिफिशियल मतलब इसको हम लोग सेमी आर्टिफिशियल बोलते हैं. क्यों क्योंकि 100% कोई चीज से नहीं बना ये क्या किया है एक नेचुरल चीज जो प्लांट से मिलता है वुड पल्प उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया है तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज अ सेमी सिंथेटिक फाइबर. सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल नहीं सेमी आर्टिफिशियल आधा नेचुरल है. आधा नेचुरल क्यों क्योंकि नेचुरल प्लांट से कोई चीज को यूज किया फिर उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया
तो हम उसको सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल और सेमी मतलब आधा आर्टिफिशियल, क्यों? क्योंकि आधा नेचुरल भी चीज है, तो आधा नेचुरल आधा आर्टिफिशियल बोल सकते हो इसे, इसलिए वी कॉल इट एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। रेन बॉर एक नाम से जाना जाता है, रेन इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। अब जब दुनिया आर्टिफिशियली सिल्क से मिलता जुलता चीज बना लिया रेयन, तब चाइना बोला कि देखो ये हम लोग आर्टिफिशियली नहीं बना है, वो जो बटरफ्लाई के मॉथ्स होते हैं जो मलबरी प्लांट पे फीड करते हैं, सिल्क वार्म को मालूम है ना, जो सिल्क वार्म होती है, सिल्क वार्म जो मलबरी प्लांट yes, sir. उससे हम लोग सिल्क बनाए। तो चाइना पे जब दुनिया में बन गया आर्टिफिशियल सिल्क, तब दुनिया को बोलता है कि एक सिल्क वार्म होती है उसका मॉथ से हम लोग निकालते हैं सिल्क। तो चाइना अब दुनिया बनाइए लिए तो फिर बता रहे क्या फायदा हो, ओके? तो फिर भी एक आर्टिफिशियल फाइबर हमें मिल गया जो मिलता जुलता है सिल्क से, पर इसके बनने से फायदा क्या हुआ? देखो सिल्क बनाने का प्रोसेस बहुत महंगा है, मलबरी प्लांट उगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर तुम्हारा जो सिल्क वार्म है उसको छोड़ा जाता है, वो बड़ा होता है, उसके कुकून्स बनते हैं, उससे सिल्क को निकाला जाता है। तो सिल्क जो फैब्रिक है उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत महंगा प्रोसेस, सिल्क के फाइबर को निकालना इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस, पर रेयन वही सस्ता है, ओके? तो रेयन से कपड़े बना के सिल्क जैसा क्वालिटी हमें मिल सकता है, वो भी सस्ते दाम, ओके? तो रेयन इज चीपर देन सिल्क, रेयन सिल्क से सस्ता है, इसलिए रेयन से हम लोग कपड़े बना के सिल्क जैसा गुण पाके यूज कर सकते हैं उसको। वैसे सिल्क के कपड़े काफी महंगे, ओके? तो यदि आप सिल्क का कपड़ा कोई खरीद नहीं सकता है तो अपना शौक रेयन का कपड़ा पहन के कर सकता है, ओके? अब देखो चलो और आगे देखते हैं, रेयन का और एक गुण है कि उसको आप डाई कर सकते हो, मतलब उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के कलर चला सकते हो और अलग अलग प्रकार के सिल्क जैसा कपड़ा तैयार कर सकते हो, ओके? तो रेयन कैन बी डाइड विथ डिफरेंट कलर्स। अब अलग अलग प्रकार के कलर से रेयन को हम लोग डाई करेंगे तो अलग अलग प्रकार के हम कपड़े बना सकते हैं, ओके? रेयन के बारे में जो देखो मैं इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना वो थोड़े से पॉइंट वाइज ही आप जान लो तो अच्छा रहे, क्योंकि रेयन के क्या है कुछ आप लोग कैरेक्टरिस्टिक जाने हैं, प्रॉपर्टीज जाने हैं, तो प्रॉपर्टीज तो इतना बड़ा बड़ा आप लिखोगे तो आपको एग्जाम में ना ही नंबर मिलने वाला है ना ही आपको समझ अच्छे से आएगा, इसलिए एक एक पॉइंट में पढ़ो तो चीज क्लियर होती चाहिए, ओके? तो ये पता चल गया हमें यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेयन, देखिएगा रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट्स। जो बेडशीट बनाया जाता है ना, बेडशीट जो होते हैं तो कैसे बनाया जाता है, रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में, रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दो तो क्या बनाया जा सकता है, तो बेडशीट बनाए जाते हैं जब रेयन को कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है, और साथ ही रेयन इज मिक्स्ड विद पुल टू मेक कारपेट्स। रेयन जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऊन के साथ मिला जाते हैं, ऊन मालूम है ना, रेयन को ऊन के साथ मिला देते हैं तो हमें मिलेगा कारपेट। कारपेट आप सभी को मालूम होगा जो हम लोग बिछाते हैं घर में कालीन की तरह, तो जो कालीन होते हैं
वो कालीन बनते हैं, रेयन को मिक्स किया जाता है उल के साथ। ओके, तो ये जो रेयन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि रेयन बनाने का प्रेरणा संसार को कहां से मिला, सिल्क का खोज चाइना ने कर लिया था, पूरा दुनिया में सिल्क के कपड़े बेचते थे और बहुत पैसा वसूलता था सबसे, पहले से ऐसा ही था, ये लोग कुछ ना कुछ ये लोग बनाते ही रहता था और छुपा के रखता था, अभी भी बनाता है कुछ कुछ, बताता नहीं है दुनिया, पर दुनिया सफर करता है उसकी वजह से। तो सिल्क का खोज हुआ, चलो ये अच्छा खोज था, अच्छा चीज बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत चीज मत बनाओ। देखो केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या एनीबॉडी? नो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इससे आप चाहो तो दुनिया को बना भी सकते हो, दुनिया को नुकसान भी कर सकते हो। केमिस्ट्री आज जो दवाइयां बनती है, डॉक्टर के पास जाते हो तो दवाइयां क्या होती है, केमिकल्स, तो वो इंसान के पेन को खत्म करता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जो इंसान का पेन को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ये भी केमिस्ट्री का ही देन, जो यदि पटक दिया जाए तो संसार एक बार में खत्म हो जा सकता है। तो साइंस का सही यूज करना है, गलत यूज नहीं। गलत यूज करोगे तो संसार को आप पूरा बर्बाद कर सकते, और सही यूज करोगे तो दुनिया को एक अच्छी जगह पहुंचा सकते। तो स्टडी साइंस विथ अ फर्म बिलीफ कि संसार का भलाई करना है, ठीक है। चलो रेयन के बारे में यदि आपको कुछ भी चीज पूछनी है तो मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, वेरी सिंपल है, और कुछ जानना भी नहीं है इसमें, कोई भी समझ सकते हैं। फिर भी किसी को डाउट है इस स्लाइड में तो बेटा मुझसे पूछो, एनीबॉडी। सर 7 पॉइंट, 7 पॉइंट पढ़ो ना बेटा, 7 पॉइंट मैं गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये बता, रेयन कैन बी डाइड, डाइड का मतलब होता है कलर चढ़ाना। ओके, रेयन का जो एक फाइबर है, मानो मुझे ब्लू कलर का कोई कपड़ा बनाना, तो रेयन का फाइबर को मैं ब्लू कलर से रंग दूंगा और ब्लू कलर का कपड़ा बनाना। मानो मुझे ऑरेंज कलर का कपड़ा बनाना, तो रेयन के फाइबर को ऑरेंज कलर से डाई। सर रेयन का कलर व्हाइट होता है क्या? देखो नहीं बेटा, यदि सिल्क के वो कलर होती है ऑफ गोल्डन, ऑफ गोल्डन, ठीक है ना, ऑफ गोल्डन शेड होती है उसके, फिर उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है। बट अंडरस्टूड सिल्क? यस सर। ओके, उसी टाइप। तो ये हो गई रेयन की कुछ गुण, हो गया। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम रेयन? नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट फाइबर पढ़ेंगे, दैट इज नाइलन। कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, चलो। पर यदि आपका माइक ऑन है तो बंद कर लो, यदि आपने कुछ नहीं पूछना। सर मैं साइड हट के ना स्क्रीनशॉट लेंगे। बेटा अर्षित दुबे और जो है आपने, प्लीज माइक को बंद करो, बच्चा रो रहा आपके घर में। स्क्रीनशॉट लो पर माइक को बंद रखो यार, ठीक है? हम चार्ज में इसीलिए लगाते हैं। हेलो, ये कौन बच्चा है? अर्षित दुबे, अर्षित दुबे अपने माइक को बंद करो बेटा। संतोष सर, संतोष सर ये अर्षित के माइक को बंद कीजिएगा जरा। चलिए, ये तो हम लोगों ने रेयन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाइलन के बारे में। नाइलन, इट वॉज फर्स्ट prepared in 1931. Nylon का खोज जो हुआ था 1931 में हुआ। ओके, अब कहां कहां हुआ तो वो भी देखिए, और इसका नाम कहां से आया वो भी आप देखिए। न्यूयॉर्क, लंदन, यस वेरी गुड, न्यूयॉर्क एंड लंदन
साइमल्टेनियसली समझ गए, न्यूयॉर्क एंड लंदन साइमल्टेनियसली स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ दिस फाइबर। ये जो फाइबर है इसको बनाने का काम साइमल्टेनियसली बोलो तो एक साथ स्टार्ट किया गया दो जगह पे, न्यूयॉर्क और लंदन से, और वहीं से इसकी नाम आई नाइलन, यहां से लिया एन और यहां से लिया वाई, एन वाई और एल, ठीक है ना। नाम कहां से आया, न्यूयॉर्क का एन और वाई और लंदन का एल ओ एन, नाइलन। ओके अंडरस्टूड, it is a fully synthesized artificial fiber, dekho bahut important cheez hai, fully synthesized artificial fiber hai ye, aisi artificial fiber hai जिसमें कोई भी रॉ मटेरियल प्लांट या एनिमल से नहीं लिया गया, ध्यान देना है इस बात पे। ये एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो फुल्ली मैनमेड है, पूरी तरह से मैनमेड है, इसमें इसको बनाने के लिए कोई भी चीज प्लांट या एनिमल से नहीं लिया गया है। ओके, नो रॉ मटेरियल फ्रॉम plant or animal is used, कोई भी raw material मतलब जो चीज से बनाते हैं वो कोई भी ना तो plant ना तो animal से लिया गया है। ओके, तो इसके raw material होते क्या हैं सर? रायन भी तो artificial fiber है ना? क्या बोल रहे हो बेटा बोलो, रायन तो आर्टिफिशियल फाइबर है। क्या बोल रहे हो? रायन तो आर्टिफिशियल फाइबर है सर। हाँ तो मैंने तो बोला उसे सेमी आर्टिफिशियल, तो फिर वही चीज को रिपीट करो। क्या नाम है बेटा आपका? अभी तो उसे पढ़ा सर उसमें, लेकिन उसमें सर वुड आया सर। हाँ तो इसीलिए मैंने सेमी सिंथेटिक बोला, मैंने बोला था ना सेमी सिंथेटिक, सेमी मतलब क्या, आधा नेचुरल आधा आर्टिफिशियल, बताया था कि नहीं? ओके यस सर। ओके बस सिंपल सी चीज है बेटा, नो मटेरियल नो रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल यूज होते। और सुनो, जब रेयन पढ़ा रहा था ना तो वहीं पे रेयन का क्वेश्चन पूछा था, मैंने टाइम दिया था ना, एक मिनट टाइम दिया था, कोई डाउट है रेयन में तो पूछो, जब नाइलन पढ़ा रहा हूं तो रेयन मत पूछो, क्योंकि देखो ध्यान को केंद्रित रखना है, जो टॉपिक बेटा पढ़ाई हो रही है उस पर नहीं ध्यान रखोगे और रहोगे पाकिस्तान में, ध्यान रहेगा पहला टॉपिक पे तो नहीं समझ पाओगे इसको। मैं हर स्क्रीन के बाद, एक बार एक स्क्रीन खत्म हो रहा है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो वहीं से पूछो। ओके ठीक है ना, नहीं तो आपका ध्यान भटका रहेगा, समझो भी कैसे। नो रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज यूज, अब ये कहां से बनाया जाता है? हवा से बनाया जाता है क्या? हाँ सचमुच हवा से, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम synthesized from coal, water। इसकी जो synthesis की जाती है, आपको ध्यान देना है, इसकी जो synthesis होती है, it is synthesized from coal and water, coal और water के मदद से इसकी synthesis की जाती है। Understood? There was a small technical problem, disconnection हुई थी, अब थोड़ी ध्यान से पढ़ो। It is synthesized from coal and water, और मैंने बोला था ना हवा से भी बनाते हैं इसको। तीन raw material जो इसका होता है, coal, water and air। इसकी जो synthesis की जाती है from coal, air and water। ये दिमाग देना है, पूछा जाता है क्वेश्चन, जो रेन है, सॉरी रेन बोल रहा हूँ, नाइलन जो है उसकी synthesis कहाँ से की गई है? Coal, water और एयर से उसकी सिंथेसिस। ओके,
देखो ये कुछ नायलॉन के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कहाँ पे इसका काम शुरू हुआ था, किस साल में इसका काम शुरू हुआ था, साल को भी दिमाग में रखो, पूछ ली जाती है कहाँ काम शुरू हुआ, किस साल में शुरू हुआ, फुली सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल फाइबर क्यों बोलते हैं पूछा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड फुली सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियल फाइबर, मतलब फुली मैनमेड फाइबर क्यों बोला जाता है इसको, क्यों, क्योंकि नो रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल इज यूज्ड, कोई भी रॉ मटेरियल नाइदर प्लांट ना ही एनिमल से इस्तेमाल किया जाता है, तो बनता कैसे, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, इसको सिंथेसाइज किया जाता है फूल से, वाटर से या एयर से, ये तीनों से मिला के सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमें देखने हैं, देखिए जो नाइलन है ये एक रिंकल फ्री फाइबर है, ओके, रिंकल फ्री मतलब इसमें रिंकल्स नहीं आते, रिंकल समझते हो, मतलब सिकुड़ता नहीं है, ओके, नाइलन इज, और इसलिए रिंकल फ्री चीज होती है, इलास्टिक होती है, इलास्टिक भी होती है, नाइलन इज रिंकल फ्री, इलास्टिक एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट। देखो ध्यान से, नायलन रिंकल फ्री है मतलब उसमें सिकुड़न नहीं आएगा, सिकुड़ता नहीं, इलास्टिक होती है, काम सकते थोड़ा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस, इसमें कीड़ा उड़ा भी नहीं लगता, ठीक है ना, और साथ में वाटर रिपेलेंट भी होता है, इसमें पानी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, इट इज ऑल्सो वाटर रिपेलेंट, ये दिमाग में रखना, इट इज वाटर रिपेलेंट, ये पानी को बिल्कुल ही नहीं एब्जॉर्ब करता, बहुत कम, ना के बराबर, ओके। तो नायलन का इस्तेमाल कहां कहां होता है, देखिए नायलन इज यूज फॉर making tooth brush bristles, देखो नायलन का इस्तेमाल किया जाता है टूथ ब्रश ब्रिस्टल्स बनाने के लिए, सबसे पहले नायलन का प्रयोग वही किया गया, टूथ ब्रश ब्रिस्टल्स, जो ब्रश होता है ना उसका जो धोने वाला मुंह धोने वाला होता है उसको बनाया गया था नायलन से। नेक्स्ट, रोप्स फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ वहाड़ चढ़ने के लिए रस्सियां बनाई जाती है नायलन की, मोस्ट ऑफ पैराशूट्स, काफी लाइट वेट रहता है नायलन, लाइट वेट भी रहती है, ओके, मैं लिख देता हूँ एक पॉइंट, इट इज वाटर रिपेलेंट एंड लाइट वेट, और स्ट्रेंथ भी काफी रहती है, बहुत टेंसाइल रहता है, काफी बहुत ज्यादा लोड को ये बर्दाश्त कर सकता है, ओके, नायलन की रस्सियां बहुत मजबूत होती है, ओके, तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स, जो पैराशूट्स भी होते हैं ना, जो पैराशूट देखे हो ना, जो प्लेन से कूदता है उसको लेके, पैराशूट्स भी बनाए जाते हैं नाइलन से, मोजे, सॉक्स, सॉक्स भी उसी से बनते हैं, और मेकिंग सॉक्स, मोजे भी उन्हीं से बनाए जाते हैं। तो नाइलन के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, कहाँ बना, इस साल में बना, नाइलन बना न्यूयॉर्क और लंदन में, नाम मिला के बना NYLON नाइलन, इस साल में 1931 में, पूरी तरह इंसान के द्वारा फाइबर बनाया हुआ है, कोई भी प्लांट या एनिमल से कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं होता, इसमें कोल वाटर और एयर से सिंथेसाइज की जाती है, रिंकल फ्री होते हैं, इलास्टिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कीड़ा मकड़ा इसमें नहीं लगता है, वाटर रिपेलेंट, पानी बहुत कम एब्जॉर्ब होती है, और लाइट वेट भी रहती है, हल्की है, इसलिए इसका इस्तेमाल टूथब्रश ब्रिस्टल
ब्रश की जो मुंह धोने वाली पार्ट है वो, पहाड़ चढ़ने के लिए रस्सियां, फिर आपका पैराशूट, फिर मोजे बनाने के लिए, ये सब इस्तेमाल है इनके काफी जगह। और साथ में और बोल सकते हो गाड़ी का जो सीट बेल्ट होता है, गाड़ी में सीट बेल्ट देखे हो ना बेटा, वो भी नायलन की के बना, ओके ओके, वो भी नायलन की, ओके। तो कोई भी डाउट फिलहाल इस स्क्रीन में तो मुझसे पूछो, ठीक है। देखो बच्चों का नाम बार बार लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं स्क्रीन बदलूंगा तो मेरी स्क्रीन स्टॉप होती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि नहीं समझते हो तो अपना नाम साथ मुझे बोलो कि समझ नहीं आ रहा, ओके। तो प्लीज सर, नायलॉन का कलर क्या होता है? हाँ बोलो बेटा, देखो और जब बोलना है ना तो मोबाइल को अपने मुंह के पास ले आओ। देखो मोबाइल आपका रखा रहता है, आप बोलते तो आवाज कम आती है, मोबाइल को उठा लो और मुंह के पास लाओ फिर बोलो। सर नायलॉन का कलर क्या होता है? नायलॉन का कलर क्या होता है बेटा? नायलॉन को डिफरेंट डिफरेंट कलर में बनाया जाता है, ओके। उस पे कलर चढ़ाए जाते हैं, वैसे बनेगा तो एक कलरलेस टाइप की कवर। सर तो वो कोल से बनता है? क्या से बनता है? कोल से। कोल, वाटर और एयर तीनों को मिला के उसे सिंथेसाइज की जाती है, उसे निकाली जाती है, ओके। कलर ऐसे डेफिनेट कलर कुछ नहीं है उसकी, मान सकते हो एक कलरलेस टाइप की ही चीज बनती है, फिर उस पे डिफरेंट रंग चढ़ाया, ओके। कोल, वाटर और एयर डिफरेंट टाइप के, आपको देखो जैसे मोजे होते हैं, आपको काला मोजा बना उसमें भी नायलॉन डाले रहते हैं, आपको सीट बेल्ट है तो उस पर काला कलर चढ़ा दिया जाता है, पैराशूट को ब्लू पीला लाल जैसा बनाओ वैसा बनाया जाता है। एनीथिंग एल्स, किसी को कोई दिक्कत? देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर इन सारे पॉइंट्स पे देखो, ओके। चलिए आई सपोज नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक एक्टिविटी करूंगा, अब उस एक्टिविटी में आई एम गोइंग टू चेक कि कौन से फाइबर में स्ट्रेंथ कितना, ओके। स्ट्रेंथ मतलब यदि मानो एक रस्सी है उसको टानेंगे तो कौन जल्दी टूट सकता है, किसका फाइबर जल्दी टूटेगा, ओके। तो दिस वन इज एक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से लिखिएगा एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। एक्टिविटी तो पहले बात लिखना सीखना पड़ता है, और स्टैंडर्ड 8th में जो आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हो तो देयर इज अ प्रैक्टिकल कॉपी, शायद आपको स्टैंडर्ड 8th में नहीं लेने बोला जाता है, पर 9th से स्टार्ट होती है प्रैक्टिकल, बट जो भी है आपको प्रैक्टिकल लिखने आनी चाहिए, कैसे लिखा जाता है, ओके ध्यान दीजिएगा। और केमिस्ट्री जो होती है इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज, तो सबसे पहले जब हम एक प्रैक्टिकल लिखते हैं, प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है उसमें सबसे पहले एम लिखा जाता है, एम आप ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूं टू डेमोंस्ट्रेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ of different fibers. इस शब्द का मतलब समझो, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, मानो एक फाइबर है उसमें मैं कोई वजन लटकाऊंगा, ठीक है ना, और मानो वो फाइबर टूट जाता है तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यदि वो वाला सूता बर्दाश्त कर पाता तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है, ओके। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है उसका एक धागा, ओके। टू डेमोंस्ट्रेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, अलग अलग टाइप के फाइबर्स लेंगे, अलग अलग मटेरियल के धागा लेंगे, ओके, और उसका स्ट्रेंथ चेक करेंगे कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है। मेटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से मेटेरियल लेंगे हम, एक क्लैंप लेंगे, क्लैंप स्टैंड। अब क्लैंप स्टैंड होता है क्या मैं बताता हूँ,
एक क्लैंप स्टैंड लेना है, ओके। फिर हम लेंगे एक नायलन का रस्सी लेंगे, पतला सा फाइबर लेना है, पूरा मोटा रस्सी नहीं लेना है, पतला फाइबर, नायलन फाइबर। फिर सिल्क का फाइबर लेंगे, फिर कॉटन का फाइबर लेंगे और उल का फाइबर लेंगे, ठीक है, समझ गए। प्रोसीडियर बोले तो एक्सपेरिमेंट को किस तरह करना है, ध्यान देना है। पहले मैं ड्राइंग बताता हूं, फिर आपको बताऊंगा किस तरह वो एक्सपेरिमेंट को किया जाता है। क्लैंप स्टैंड बेसिकली होती है एक ऐसा स्टैंड टाइप का होता है, ठीक है, एक ऐसा बेस रहेगा और उसमें एक रॉड लगी रहेगी और इधर से भी एक ऐसे रॉड निकलता है, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लैंप स्टैंड। ये एक रॉड का जैसा मटेरियल रहेगा, यहाँ पे ये जमीन पे रखा रहता है, इसमें एक बड़ी सी रॉड रहती है और एक ऐसा रॉड उसमें लगा रहता है, दैट इज नोन एज क्लैंप स्टैंड, ओके, दिस वन इज क्लैंप स्टैंड। और उसमें हमें क्या करना है, नायलन सिल्क कॉटन उल किसी में से एक एक करके रस्सियां टांगेंगे। तो यहाँ पे हम घुमा के एक रस्सी टांगेंगे और उस रस्सी को एक बटखारा टाइप में लगा देंगे, बटखारे जो भी कुछ ऐसा टाइप का, एक प्लेट बनेगा, ठीक है, एक प्लेट में लगा हुआ है, एक रस्सी रहेगी, देखो ऐसा रहता है, प्लेट देखोगे ऐसा करके प्लेट रहेगा और उसमें हम लोग इस नायलन की रस्सी को लगा देंगे या कॉटन को या उल का रस्सी किसी को लगाएंगे, ठीक है, यस सर, अलग अटैचमेंट, दिस अटैचमेंट इज डिफरेंट, ठीक है, ये अटैचमेंट है, अलग अटैचमेंट, ठीक है ना, इसमें हम लोग वजन रखेंगे और ये वाला यहाँ पे लटका दिया जाता है, ओके। और क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके इसमें डालेंगे वजन को, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम वैसे के पत्थर डालेंगे, या आप मेजरिंग वाली जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या ना, बटखारा जो होता है उसको डालेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोसीडियर में क्या करेंगे, सबसे पहले नायलन के रस्सी को लगाएं और फिर इसमें कुछ वजन डालें, ओके, और वजन एक एक करके डालेंगे, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम इस तरह करके हम लोग डालते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि नायलन के जो रस्सी को लगाते हैं, तो ऑब्जर्वेशन में पहले लिख रहा हूं, फिर प्रोसीडियर आपको बताता हूं, एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा कि रस्सी लेना है, उसमें बटखारा टाइप का ये टंगा हुआ है और उसमें एक एक करके वजन डालना है। नायलन रिक्वायर्स अबाउट 100 ग्राम वेट टू ब्रेक। और एक चीज पहले बता देता हूं, सारे रस्सी को जो लेना है थिकनेस सबका सेम रहना चाहिए और लेंथ भी सेम रहना चाहिए। इसका लेंथ मैं लूंगा यहाँ पे कुछ 60 सेंटीमीटर के आसपास, सब रस्सी का लेंथ जो लेना वो 60 सेंटीमीटर के आसपास लेना, थिकनेस भी सेम रहनी चाहिए, ओके, थिकनेस भी सेम। तो नायलन रिक्वायर्स अबाउट 100 ग्राम वेट टू ब्रेक, ठीक है ना, 100 ग्राम वेट मिलता है तो ये रस्सी क्या होगी, टूट जाती है नायलन की रस्सी। सिल्क रिक्वायर्स 50 ग्राम टू ब्रेक, ओके, वो 60 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। कॉटन रिक्वायर्स 12 ग्राम टू ब्रेक, ओके, और फिर उल रिक्वायर्स 100। तो अब ध्यान से देखना है कि प्रोसीडियर को किस तरह लिखना है। एक हम लोग यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड एक चीज भूल गए, नोन वेट ऑब्जेक्ट,
कोई भी चीज जिसका वजन हमको मालूम है उसको हम लोग यहाँ पे रखें। प्रोसीडियर में टेक अबाउट 60 सेंटीमीटर ऑफ ईच फाइबर एंड फाइबर थ्रेड में, ठीक है, टेक अबाउट 60 सेंटीमीटर ऑफ ईच फाइबर थ्रेड, हर एक फाइबर के थ्रेड का 60 सेंटीमीटर लेना है और इक्वल थिकनेस, सबकी थिकनेस भी इक्वल रहनी चाहिए। पुट वेट्स एंड रिकॉर्ड व्हेन इट ब्रेक्स, ठीक है, और आपको रिकॉर्ड करना है कि कब ब्रेक होती है। व्हाट इट एक्सपेरिमेंट आपको समझ आ गया होगा, हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं स्ट्रेंथ, रस्सी का स्ट्रेंथ कितना होता है विभिन्न विभिन्न अलग प्रकार के मटेरियल, क्लैंप्स क्या नहीं है, एक प्लेट है ओके जो रस्सी में टांग दिया जाता है और फिर उसके बाद वजन डाली जाती है। एक प्रोसीडियर क्या है, 60 सेंटीमीटर का लंबा फाइबर जैसा रस्सी लिए पड़ता और फिर उसमें हम लोग वेट प्लेस करेंगे, पुट वेट्स एंड रिकॉर्ड व्हेन इट ब्रेक्स, और रिकॉर्ड करनी है कब वो टूटेगा। हम लोगों ने देखा कि नायलॉन 100 ग्राम का वेट बर्दाश्त कर रहा है, 60 सेंटीमीटर का रस्सी फिर टूट रही है, सिल्क 50 ग्राम बर्दाश्त कर पा रहा है, कॉटन 12 ग्राम और उल 70 ग्राम। तो ये तो हो गई एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीडियर, ऑब्जर्वेशन, और ये जो डायग्राम होती है ये बनाई जाती है व्हाइट पेज, ओके, प्रैक्टिकल कॉपी का दो पेज होता है, एक व्हाइट पेज एक रूल पेज, ये वाला रूल पेज में लिखा जाता है, ये व्हाइट पेज में बनाई जाती है। फिर होता है लास्टली कंफ्यूजन, एक और चीज आती है कंफ्यूजन, कंक्लूजन में आपको क्या पता चल रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सैंपल इज इन ऑर्डर, किस तरह सबसे कम किसका स्ट्रेंथ है, टेंसाइल कॉटन का, कॉटन, फिर कॉटन से ज्यादा किसका है, सिल्क का, सिल्क, ठीक है, फिर सिल्क से वूल, वूल का, और वो सबसे ज्यादा नायलॉन, 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 समझ गए, कॉटन सबसे कम वेट में टूटता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, सिल्क का थोड़ा ज्यादा होता है, उल का उससे भी ज्यादा होता है, नायलॉन का टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, और इस तरह ये एक्टिविटीज को किया जाता है, ठीक है ना, गॉट इट। और यहाँ पे एक और चीज होता है मटेरियल रिक्वायर्ड, मैं लिखूंगा एक हैंगिंग प्लेट, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग प्लेट। हैंगिंग प्लेट में क्या होता है बेटा, ऐसा एक प्लेट रहता है और इसमें एक हुक टाइप की लगी रहती है, ऐसा एक हुक रहता है, तराजू टाइप ध्यान देना है, हैंगिंग प्लेट कुछ इस टाइप का रहेगा, इसमें हम लोग वजन रखेंगे ओके, और इसमें एक ऐसी रस्सी लगी रहती है और ऐसा एक हुक रहता है और उस हुक में सूता को फंसा दिया जाता है, ठीक है ना, और फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेंगे, यस सर, ठीक है ना, समझ गए होगे, डायग्राम में नहीं रहा पर चीजों को समझ। Anything else? किसका स्पीक माइक बार बार ऑन रहता है और मैं देखू थोड़ा सा इस बच्चे का नाम क्या है, जब तक देखूंगा तब तक बंद। सार्थक सिन्हा वेब सेंटर, सार्थक बेटा चलो थोड़ा सा बताओ तो मुझे, बीच बीच में आपकी माइक क्यों ऑन होती है और कुछ बोलते भी नहीं हो, सार्थक जवाब दीजिएगा उधर से जल्दी से, सार्थक कोई डाउट है तो अभी माइक ऑन करो और पूछो, ठीक है बेटा। तो ये एक्टिविटी में आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि सारे फाइबर्स जो होते हैं सबकी इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ नहीं होती है, सबकी स्ट्रेंथ क्या होती है डिफरेंट, अंडरस्टूड, एंड इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट किस तरह से एक्टिविटी लिखी जाती है आप लोग सीख लिए होंगे। कभी कभी क्या होता है आपसे प्रीक्वेशन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द प्रीक्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज द प्रीक्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द प्रीक्वेशन इन दिस एक्सपेरिमेंट,
इस एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन क्या लोगे, कोई बता सकता है मुझे क्या? इस एक्सपेरिमेंट ऑल बी द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट द सेम थिकनेस। यस वेरी गुड बेटा, क्या नाम है आपका जल्दी बताओ? सर आर्यन। आर्यन वेरी गुड बेटा। सारे थ्रेड्स इस एक्सपेरिमेंट में, जो जितने भी थ्रेड लेने हैं, ध्यान से सुन लो, ऑल थ्रेड्स should be of same length and almost same thickness। okay, जो भी थ्रेड लोगे सब इक्वल लेंथ का लोगे और थिकनेस सबकी लगभग बराबर रहनी चाहिए, नहीं तो कोई लंबा लोगे कोई छोटा लोगे तब तो गड़बड़ा जाएगी। तो ये वाली आपकी हुई आज की क्लास में। यदि आप लोगों को कोई भी चीज पूछना है इसमें से तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नहीं तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए। और क्वेश्चन क्या दूंगा आपको, ये सारे पढ़ के आने हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था, कितने बच्चों ने उन्हें बनाया जल्दी बताओगे? कितने बच्चों ने बनाया? यस सर। हाँ बनाए बेटा, तो जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वो बना के लानी है। ओके तो ये तो हुआ है, एक्टिविटी आता है। सर कुछ पूछना? हाँ पूछो बेटा जल्दी से। सर वो जो थ्रेड है उसकी वेट नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ बोलो बेटा क्या पूछ रहे हो? सर कि जैसे उसके हाइट, उसकी लेंथ और उसके ये थिकनेस से फर्क पड़ेगा तो वेट से नहीं फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, यदि उसका वेट ज्यादा है तो जल्दी नहीं टूटेगा। हाँ ओके सर। वही दो ही चीज कर सकते हैं ना हम, तो लंबाई को इक्वल लिए, थिकनेस को इक्वल लिए। पर हो सकता है किसी का वेट ज्यादा हो, और यदि वेट उसका ज्यादा रहता तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो। नायलन की रस्सी और एक सिल्क का रस्सी सेम थिकनेस और सेम लेंथ का, नायलन की रस्सी का वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है या सिंपल सा है बेटा, ये तो समझ ही सकते हो। लोहे का मैं रस्सी ले लूं थिकनेस इतना ही रखूं, तो लोहा के थिकनेस ज्यादा मतलब कम ही रहे तब भी वजन ज्यादा रहेगा एक कॉटन के रस्सी से, रहेगा कि? ओके यस सर। और कुछ? नो सर। चलिए तो फिलहाल आज के क्लास के लिए इतना ही, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।